जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयिरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये समसाहूनं। जैन न्याय, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके नाम हमने दिए हैं। जैन न्याय के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं प्रमाण और नये न्याय ग्रंथ। न्याय आपको मालूम है, बड़ी वाली सिद्धांत प्रविष्टा जो गुरु गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखी है, बड़ी वाली, उसका पहला प्रश्न क्या, किसी को याद है? हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो। नहीं, पहले ये पूछा प्रश्न क्या है, प्रश्न पदार्थ के जानने के कौन कौन से उपाय हैं। क्या प्रश्न है उसमें? पदार्थ के जानने के कौन कौन से उपाय, चार उपाय कौन कौन से लिखे हैं? बैठे बैठे बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, सबको याद है। प्रमाण, नय, निक्षेप, लक्षण। प्रमाण, नय, निक्षेप, लक्षण, बहुत बढ़िया। अपन कोशिश करेंगे इन सबको धीरे धीरे पढ़ने की। ओके, चलिए आगे चले। ग्रंथों के नाम है परीक्षा मुखम, माने परीक्षा मुख आपका फेमस ग्रंथ है, आप पढ़ते ही होंगे परीक्षा मुख। फिर है न्याय दीपिका, बहुत फेमस ग्रंथ है न्याय दीपिका, दो पार्ट में लिखी गई हो। प्रमाण मीमांसा, नय चक्र माइल धवल, इन सब ग्रंथों के नाम अपने हैं। आप जब भी बड़े होंगे तो जैन न्याय पढ़ने के लिए आप इतने ग्रंथों का अभ्यास करेंगे। आइए नीचे चलते। परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण इसके लिए हमने शब्द दिए हैं इनडायरेक्ट नॉलेज, नॉन क्लियर नॉलेज, डिपेंडेंट नॉलेज। डिपेंडेंट क्यों है? डिपेंडेंट जो समझते होंगे अंग्रेजी में, पांच इंद्री और मन पर डिपेंड करता है। डिपेंड क्यों है? पांच इंद्री और मन पर डिपेंड करता है। जैसे इसे मैं बोल रहा हूँ तो दर्शन इंद्री पर डिपेंड है, आप सुनने के लिए कान पर डिपेंड है, भाषा के लिए डिपेंडेंसी है। ओके, तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मानो परोक्ष प्रमाण। दो तरह के प्रमाण होते हैं, वैसे तो तीन कह सकते हो। परोक्ष प्रमाण, इलेवेंथ वाले ध्यान से सुनेंगे, इलेवेंथ वालों को मालूम है प्रमाण कितने प्रकार का होता है? परोक्ष प्रमाण, एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, आंशिक प्रत्यक्ष जिसको आंशिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, और एक होता है प्रत्यक्ष। आपको तो याद होगा एक देश प्रत्यक्ष में कौन कौन सा प्रमाण आता है, कौन कौन सा ज्ञान आता है? हाँ है? नहीं नहीं, आंशिक प्रत्यक्ष में, एक देश प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान आता है? अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान आता है प्रत्यक्ष प्रमाण में। सुन रहे बेटे, इलेवेंथ वाले बच्चे सुन रहे हो? प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन कौन सा आता है? केवल ज्ञान। आंशिक प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनोप्रेय ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान में आता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हमारे आपके पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मुझे इसमें इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, अभी शाम आज से जहाँ तक होगी कोशिश करेंगे आज से ही मजे शुरू हो जाए, बहुत आनंद लेंगे अपन, क्योंकि ये अपने पास है। स्वामी जी तो ऐसे कहते थे, ये हमारा मति सद ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, अवधि ज्ञान और मनोप्रेय ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? अवधि ज्ञान से मनोप्रेय ज्ञान से केवल ज्ञान होता है, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन मति सद ज्ञान से केवल ज्ञान होता है। हमारा ज्ञान कैसे प्रसार करेगा उसकी चर्चा करेंगे। इनडायरेक्ट है, नॉन क्लियर, नॉन क्लियर इसलिए लिखा है, नीचे परिभाषा देखिए। अविशद प्रतिभाषम परोक्षम, अविशद, अविशद माने अस्पष्ट, अविशदम मतलब अस्पष्ट, प्रतिभाषम माने ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान है। बराबर, कोई कठिन तो नहीं लग रहा? बोलोगे बेटे ग्यारहवीं वाले, अविशदम बोलो, अविशदम, अविशद प्रतिभाषम परोक्षम। बैठ जाइए। संदर्भ, आद्य परोक्षम तत्वार्थ सूत्र अध्याय एक सूत्र 11,
सातवां सूत्र इलेवेंथ वालों को तो नहीं हुआ होगा अभी, पहला अध्याय नहीं हुआ शुरू, कोई बात नहीं आपका शुरू हो जाएगा। आद्य परोक्षम, आदि के जो दो हैं वो परोक्ष हैं, ठीक है। और छह डाला में भी लिखा है चौथी ढाल की तीसरा छंद, मति श्रुत दो परोक्ष आद्य मन दे उपजावे। मति श्रुत कैसे हैं, दोनों परोक्ष ज्ञान है। अक्ष माने इंद्रिया, अक्ष माने इंद्रिया, इंद्रिया कितनी होती है तीन की चार, और एक और क्या लिखा है आगे मन, पांच इंद्रिया और मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो मति शुद्ध ज्ञान है। बराबर है, कोई कठिन तो नहीं है। शीतल पीछे बैठोगे, अच्छा आपके साथ आपकी बसियत है, कोई बात नहीं। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, आगे देखो। अभी विशेषता, विशेषता पढ़ना है, कठिन तो लगे तो फौरन हाथ खड़े करना। अब विशेषता देखिए, ईषत प्रत्यक्ष, ईषत प्रत्यक्ष माने मति शुद्ध ज्ञान को भी किंचित प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, बोलते कि नहीं बोलते, मैंने अपनी कान से सुना है भाई साहब, पक्का मैंने कान से सुना है, मैंने इसको ऐसे करता हुआ देखा आंखों से, अरे मैंने कुछ चक्कर देखा है। तो आपको जो परोक्ष है वो भी ईषत प्रत्यक्ष है। क्या बोला हमने ईषत प्रत्यक्ष का क्या मतलब बोला हमने, है तो परोक्ष लेकिन वो भी ईषत, ईषत माने कथनचित किंचित प्रत्यक्ष है। एक बात और है मति शुद्ध ज्ञान में, एक अर्थ बता दिया मैंने, एक अर्थ और करना मुझे, स्वानुभव प्रत्यक्ष होने से ईषत प्रत्यक्ष है। कौन बोलेगा ये बात, स्वानुभव प्रत्यक्ष होने से ईषत प्रत्यक्ष है, कौन बोलेगा ये बात। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप नए नए हैं फिर भी इतना अच्छा बोल रहे हैं। बैठिए एक बार फिर बोलिए, स्वानुभव समझते बैठ जाइए, अनुभव करते ना, अनुभव फीलिंग ये ईषत प्रत्यक्ष है। आत्मा का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है ना, आत्मा का अनुभव होता है वो इसी में होता है, तो ईषत प्रत्यक्ष इसलिए कहने में आता है। इसका एक नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, नाम सुना है सभी लोगों ने, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या मतलब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का, क्यों व्यवहार के समान, व्यवहार में वही प्रत्यक्ष कहलाता है। अभी कौन से दृष्टांत दिए थे, आंख से देखा है मैंने, कान से सुना है, तो वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। क्योंकि सुनो ध्यान से, आगम में हम इसको परोक्ष कहते हैं लेकिन दुनिया में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहा मैं, आगम में हम इसको परोक्ष कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, ये हम परोक्ष कहते हैं जिदवाड़ी की भाषा में, लेकिन सड़क पर कोई भी इसे परोक्ष नहीं मानता, सब इसे प्रत्यक्ष मानते। तो हमने भी इसका एक नाम रख दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार के समान प्रत्यक्ष। एक बात याद दिलाऊं आपको, खासतौर से फाइनल वाले बच्चों के लिए, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा प्रत्यक्ष, जब परोक्ष है तो प्रत्यक्ष क्यों कहा, प्रश्न कल पूछना ही प्रश्न है ना, कल कौन पूछेगा यहाँ करके प्रश्न, तैयारी करना है बेटे, तैयारी करना है, कोई से भी पूछा कहा जा सकता है, प्रश्न पूछो तो तैयारी रखना। परोक्ष क्यों, परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष क्यों कहा, तो इसका उत्तर मैं देता हूँ, क्योंकि मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। कौन से ग्रंथ में लिखा है, प्रवचन साहब में पंचाशती काल में, समय साहब जी में लिखा है, क्या लिखा है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, क्योंकि समझते तो है नहीं, अब उनसे कहें परोक्ष तो उन्हें तो प्रत्यक्ष मानते, तो उनकी भाषा में हमने भी कह दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। समझ में आया, इलेवंथ वालों समझ में आ रहे बेटे, आगे देखो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, देखो आगे स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष माने सम्यक दर्शन होता है ना, तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है। आगे देखिए, विशेष आत्मा मति शुद्ध केवल ज्ञान का विषय है, क्या लिखा है, आत्मा मति शुद्ध केवल ज्ञान का विषय है। आत्मा कितने ज्ञान का विषय है, पांच में से, आत्मा पांच ज्ञानों में से कितने ज्ञान का विषय है, देखो ना इसे साफ साफ लिखा है, आत्मा मति शुद्ध केवल ज्ञान का विषय है, इसका मतलब आत्मा अवधि ज्ञान का विषय नहीं है और मन प्रय ज्ञान का विषय
नहीं है। तो पांच ज्ञान में से दो ज्ञान अनुभव करने के लिए नो वैल्यू, नो वैल्यू मतलब नो इम्पोर्टेंस, मतलब मुझे देखो, जरा मुझे देखो, आनंद लेना है, इसमें से अपने को आनंद लेना है। अभी आपको क्या लगता है, अवधि ज्ञान, अरे गजब अवधि ज्ञान, और उनको मनोपरय ज्ञान है, अरे गजब हो गया। कोई गजब नहीं हो गया, अवधि ज्ञान मनोपरय ज्ञान दी बेस्ट हो, बढ़िया से बढ़िया हो, तो अभी वो आत्मज्ञान में कोई काम नहीं आता। इसलिए हमें अवधि ज्ञान मनोपरय ज्ञान नहीं है, कोई टेंशन नहीं। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और मत ज्ञान स्व ज्ञान में परोक्ष, हमारे ये दो ज्ञान बहुत काम के हैं। हमें अपने ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, क्योंकि इससे हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे चलिए। आगे क्या कह रहे हैं, अवधि ज्ञान मनोपरय ज्ञान का विषय रूपी है तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का 27वां 28वां और द्रव संग्रह की गाथा 5। आपको याद है सूत्र, बोलो बेटे, रूपिस्व याद, हाँ जी याद होना चाहिए, और तदनंत भागे मनोपरय जी आपको याद रहना चाहिए। हाँ भाई, तत्वार्थ सूत्र कौन कौन याद है, पहला अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पक्का पूरा की एक अध्याय, लेकिन आपको तैयार रखना चाहिए। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अविशद पना माने अस्पष्ट, मिला नीचे, अविशद पना माने अस्पष्ट और निर्मल, मतलब आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अविभागी प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद गलत लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद होता है, इसको मैं सही कर दूंगा, अविभागी प्रतिच्छेद। छह द्रव्य अजाने हैं, मात्र लक्षण से जानते हैं। इस परिभाषा को आप 3 बार पढ़ लीजिए, मैं फिर पूछूंगा आपसे, बिना देखे आपको बताना है, क्योंकि अविशद का मतलब क्या करेंगे आप, परीक्षा में आ जाए अविशद, ये आपको प्रवचन करना पड़े, तो अविशद का क्या मतलब है। मैं एक मिनट चुप रहता हूँ, आप 3 बार पढ़ लीजिए। इसका मतलब, अविशद का मतलब है, केवल ज्ञान में तो विशद झलकता है, केवल ज्ञान में तो विशद, विशद मतलब केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखते हैं, आत्मा के अनंत गुण दिखते हैं, आत्मा की अनंत पर्याय दिखती हैं, और अविभागी प्रतिच्छेद दिखाई देते हैं, और 6 द्रव्य दिखाई देते हैं। आपके मत विशद ज्ञान में 6 द्रव्य दिखाई देते हैं क्या, दिखाई देते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन, मैं खुद याद करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके ज्ञान में आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखते हैं, हाँ या नहीं बोलो, नहीं दिखते। अनंत गुण दिखते हैं, ये क्या लिख रहा है बेटे, लिखिए नहीं, पहले सुन लीजिए, मैं याद करवा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। 11th वाले ये नहीं सोचे कि बाप रे अपन तो अभी पहली साल में ही आए हैं, आपको पहली साल में मजा शुरू हो जाएगा, बहुत सरलता से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सरलता से। समझ आ रहे डॉक्टर साहब, श्रेयांश नाम है, ठीक है, वेरी गुड। धनपाल क्या नाम, महीपाल नहीं, धनपाल, इन दोनों नाम में कंफ्यूज होता। मुकेश कहा है, मुकेश नहीं भाई, मुकेश नाम है ना किसी का, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर देखो, अविशद, अविशद विशद का माने स्पष्ट, विशद का मतलब स्पष्ट, अविशद माने अस्पष्ट। तो आपसे कोई पूछ ले अस्पष्ट मतलब क्या, तो हमें ये कहेंगे अस्पष्ट का मतलब आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखाई नहीं देते, अनंत गुण दिखाई नहीं देते, 2 चीज हो गई, और क्या हो गया, पर्याय भी दिखाई नहीं देते, 4 अविभागी प्रतिच्छेद भी दिखाई नहीं देते, और 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते, इसका नाम है अविशद। अविशद में 5 चीजें दिखाई नहीं देती। अब कौन बोलेगा, 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, बोलो बेटे, वेरी गुड, ऐसे गिनते चलो, हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या असंख्यात प्रदेश नहीं दिखते, हाँ अनंत गुण नहीं दिखते, आगे पर्याय भी नहीं दिखाई देती, अविभागी प्रतिच्छेद भी दिखाई नहीं देती, और 6 द्रव दिखाई नहीं देते, इसका नाम है अविशद। अविभागी प्रतिच्छेद, जरा एक साथ बोलो, नया शब्द आपके लिए, अविभागी प्रतिच्छेद, बोलिए एक बार और बोलो, अविभागी प्रतिच्छेद, समझते हो, कौन कौन समझता है अविभागी प्रतिच्छेद, चलो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अविभागी माने लास्ट, जिसका विभाग नहीं हो सकता, अविभागी का मतलब होता है लास्ट पावर, अंतिम पावर, अनडिवाइडेबल पावर,
जो अंतिम अंश है ना, अंतिम अंश जिसका फिर शक्ति का विभाजन नहीं कर सकते, अंतिम चरम शक्ति होती है, चरम सीमा पर, इसके बाद डिवीजन संभव नहीं है, उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। समझ में आया? तुम इधर उधर देख रहे तो याद नहीं हुआ होगा, जिसका विभाग नहीं कर सके ऐसी अंतिम शक्ति का अंश, पावर, अंतिम शक्ति के अंश को कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। कितनों को याद हुआ अविभागी प्रतिच्छेद? चलिए याद हुआ, वेरी गुड, नीचे हाथ कर लीजिए। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब जिसका विभाजन नहीं हो सकता, और प्रतिच्छेद माने शक्ति का अंश, अब तो याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रयोग, प्रयोग है रागोत्पादक है, बंध जनक है, ये हमने प्रयोग करके देखा। हमारे जो अस्पष्ट ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है, यदि आप वो अच्छा लगता है तो उससे राग उत्पन्न होगा नंबर एक, और इससे आश्रव बंद होगा। फिर से बोलता हूँ, यदि मेरी उंगलियां देखो, पांच ज्ञान में से दो ज्ञान कौन से हमारे पास? मत ज्ञान और पांच ज्ञान में से दो ज्ञान कौन से हमारे पास? मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये कौन से ज्ञान कहलाते हैं? प्रत्यक्ष की परोक्ष, परोक्ष। अब यदि हम ये दोनों ज्ञान अच्छे लगते हैं, है मैं इंटेलिजेंट, मेरे बहुत याद रहती है मेरे को, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है, ये पसंद आए आपको, तो उससे राग उत्पन्न होगा और उससे आश्रय बंद होगा, बराबर। लेकिन इसी ज्ञान में ज्ञायक पसंद आ जाए तो संबंध निद्रा हो जाएगी। कौन बोलेगा? इसी ज्ञान में जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान तो समझते हो, परोक्ष ज्ञान मतलब वही अभी बताया था, और फिर भी तुम्हें अपने ज्ञान पे बड़ी वो हो रही, क्या कहलाता है? ईगो। ईगो समझते हो? वीर से बढ़कर कोई नहीं। तो आपको मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान पसंद आया, तो इससे क्या होगा? राग उत्पन्न होगा और बंद होगा। लेकिन इसी ज्ञान, मत शुद्ध ज्ञान में त्रिकाली ज्ञायक पसंद आ जाए, भगवान आत्मा पसंद आ जाए, तो क्या होगा? तो संबंध निद्रा हो जाए। तो नीचे लिखा है, देखिए, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, सावधानी न हो तो अविशद ज्ञान अन्य के अविशद ज्ञान पर मोहित होकर निदान बंध कर बैठता है। कल पूछना ये वेद विज्ञान वाला, जो भी बच्चे पूछेंगे कल ये प्रश्न पूछना, जो हो जहां हो जैसे हो वहां ही अपने को भिन्न ज्ञायक अनुभव करके संतुष्ट रहो। आप कौन सा गाना गाते हो? जिस देश में गाओ जरा, जिस देश में, जिस में, जिस काल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ए, न्याय में से आया ये भजन काय में से आया, न्याय में से आया। देखो क्या लिखा है, जो हो जहाँ हो जैसे हो वहाँ ही अपने को भिन्न ज्ञायक अनुभव करके तो संबंध निद्रा हो जाएगी। समझ में आया? फिर से पढ़ाऊं इसको, सावधानी नहीं हो तो अविशद ज्ञान अन्य के अविशद ज्ञान पर मोहित होकर, ये लाइन ध्यान से सुनिए, अविशद ज्ञान पर मोहित होकर निदान बंध कर बैठता है। इसके लिए पांच छह एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं लिखोगे तो पांच छह एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी ओर देखोगे तो पांच छह एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे आपको पता है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान क्यों प्रकट होता है जीव को, और सम्यक ज्ञान नहीं होता? मालूम होगा ना मुनिराजों को कितना ज्ञान हो जाता है? 11 अंग 9 पूर्व क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता होगा? क्योंकि एक परोक्ष ज्ञान वाला दूसरों के परोक्ष ज्ञान पर खुश हो रहा है, और गजब गजब यार ऐसा छियोसम हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसे ग्रंथ हमको याद हो जाए तो मजा आ जाए, श्रीमद जी ने सताब धाम की मेरे को जाए भगवान। तो वो पुण्य करता हो, शांत रहता हो, अच्छा रहता हो। लिखो नहीं बेटे, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं बेटे, तुम लिख रहे हो फिर नहीं बता पाओगे कल इसका जवाब, बिल्कुल मत लिखो, आप तो मुझे देखो, मैंने पहले ही दो शर्त लगाई थी, मुझे देखी, कब भी नहीं समझ में आएगा बेटे, तुम लिखना, लिखने को तो हम दे देंगे आपको, जिन्हें भी चाहिए इसकी प्रिंट दे देंगे हम आपको, आप तो केवल पढ़िए सुनिए। ठीक, फिर से कहता हूँ, चलो तो आपको 11 अंग 9 पूर्व का पाठ हो जाओगे, सतावधानी हो जाओगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा।
आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा, एक ऐसी आपने देखा होगा यहाँ पर भी होती होगी ऐसा काम, जयपुर में होता है। सबसे पहले वो काम मैंने 1994 में भोपाल के शिविर में देखा था। भोपाल में भी शिविर लिखा था 18 दिन का शिविर। उस समय आप तो थे 94 में, नहीं थे शिविर में भोपाल के, आप नहीं थे। वो कौन है, वो सिंधी भाई, क्या नाम था उसका, वो भी नहीं जानते, उनके पिताजी आते, बालचंदानी संजीव बालचंदानी नाम का स्टूडेंट था, संजीव बालचंदानी नाम का स्टूडेंट था। तो उसे केवल एक दिन के लिए बुलाया था जयपुर से, केवल प्रेजेंटेशन देने के लिए, कि जो नंबर बोलो वो फटाफट गाथा सुना देता था। इतनी तालियां बजी, पूरा गड़गड़ाहट, उसे केवल इसके लिए बुलाया था कि वो सुनाए। केवल मैंने ताली नहीं बजाई, बाकी सबने ताली बजाई। फिर वो विद्यार्थी मेरे से मिलने आया, मेरे से मिलना, तो मैंने एक बात की, बेटे सावधान रहे ना, ये तालियां बज रही थी ना वो छियोसम ज्ञान की बज रही थी, वो धारणा ज्ञान की बज रही थी, तुम वो नहीं हो, इसमें फंस मत जाना। ये मैंने उसे कही है बात। बाद में फिर सेकंड नाम इनका था प्रवीण जी का, 14 ग्रंथ एक साथ सुनाए उन्होंने, धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो बहुत तालियां बजी और लोगों ने 1000 रुपए दिए होंगे आपको ना, काफी इनाम मिली होगी। तो बस, तो अभी होता क्या है, ऐसे में आप निदान मन कर सकते हो, ऐसे में निदान मन कर सकते हो दूसरों का क्षोभसम ज्ञान देखकर। दूसरों का क्षोभसम ज्ञान भी अविशद और अपना ज्ञान भी अविशद, हमारा अविशद ज्ञान उनके अविशद ज्ञान पर मोहित हो गया। इसका फल है 11 अंग 9 पुर का पाठ ही, लेकिन सब में ज्ञान नहीं हुआ। लॉ समझ में आया आपको? बोलो, आपको केवल ज्ञान चाहिए, 11 अंग 9 पुर का अल्प ज्ञान चाहिए, समझ गए आपको? तो ये इतना, इतनी बात बताने के लिए मैं फिर कहा निदान बंद कर बैठता है। और सुनाऊं दृष्टांत दो चार, 11 अंग 9 पुर तो याद रहेगा, संजीव बालचंदानी भी याद रहेगा। अब तीसरा दृष्टांत, बिल्कुल, कोई महिला किसी के यहाँ जाती है ना, तो उसकी रसोई बनाने की कला पर मोहित हो जाती है, अरे कितना अच्छा हलवा बना लेती है, अरे कितनी बढ़िया रसगुल्ला बना लेती है, भगवान हमें सिखा दो। तो वो निदान बन करके हो सकता है अगले जन्म में श्रीमती बन जाए। क्या बन जाती है वो, टेलीविजन पे आती है कोई किचन क्वीन हो सकता है वो कोई बन जाए बहुत बड़ी। बोलो, आपको निदान बंद करना है कि केवल ज्ञान चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं मोहित होकर निदान बंद कर बैठता है। एक बार फिर पढ़ो, जो हो जहां हो जैसे हो, मजा आया धीरज, क्या बात है, तुम अपोजिट क्यों बैठते हो, तुम भी बगल में बैठ जाए करो इधर। अब धीरज को मैं पहचान लेता हूँ, धीरज की स्माइल थोड़ी हल्की है, इसकी स्माइल थोड़ी तेज है। चल हम आगे चलते हैं। कर्तव्य, अविशद ज्ञान, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व दीनता, कौमा लगना चाहिए, कर्तत्व भोक्तत्व के बाद कौमा लगना चाहिए, दीनता के बाद भी कौमा लगना चाहिए। दीनता यह भावना योग्य नहीं है, समझा दू इसको। मति ज्ञान, सुर ज्ञान या परोक्ष ज्ञान, इसको समझ करके फायदा है क्या हुआ, कि हमको इसमें एकत्व नहीं करना, मैं ज्ञानी हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये ज्ञान मेरा है ये भी नहीं सोचना, ये क्षोभसम मेरा है ये भी नहीं मानना, क्योंकि ममत्व नहीं करना। करता तो मैंने किया है, 8 घंटा रोज पढ़ के किया है मैंने इतना ज्ञान। तुम लोग 5 तालियां पढ़ने आए तभी तो ज्ञान लेके जाओगे। बोलो, तुम जब अपने अपने गाँव जाओगे तो कैसे जाओगे, चौड़ी शादी करके, है 5 साल पढ़ के आया हूँ। तो ममत्व नहीं करना, करता तो नहीं करना, और कम ज्ञान रह जाए तो दीनता नहीं करना, कम ज्ञान रह जाए तो, ऐसा कोई दृष्टांत है, कम ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान हो गया, त्रिभूति मुनिराय, कौन का नाम है, त्रिभूति मुनिराय, कम ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान हो गया। तो अपन तो केवल ज्ञान लो ना डायरेक्ट, अपने को बीच में क्या नहीं करना है, दीनता नहीं करना, भावना योग्य नहीं है, भावना मतलब निदान, भावना का मतलब ये निदान, ऐसी भावना भी बहाने लायक नहीं है कि मेरा ज्ञान बढ़ जाए, मेरा क्षोभसम बढ़ जाए, मैं एक दिन बहुत नाम हो जाए मेरा, ये नहीं करने लायक, बराबर, क्यों, इससे हमारा केवल ज्ञान में बाधा आती है। काय में बाधा आती है,
कायम बाधा आती है। केवल ज्ञान का मतलब आनंद सुख में बाधा आती है। बराबर नींद तो नहीं आ रही कोई को, सबको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, अब आएगा थोड़ी देर बाद। अब प्रमाण ज्ञान, ये हमारा क्या निकल गया, परोक्ष प्रमाण की परिभाषा हो गई, परोक्ष का अर्थ हो गया ना, परोक्ष प्रमाण का। अब ये प्रमाण ज्ञान आ गया, अपने को पढ़ना बेटी, अब यहीं से अपनी मूल पढ़ाई शुरू होने वाली है, परोक्ष प्रमाण। कौन सी पढ़ाई शुरू होने वाली है? परोक्ष प्रमाण। परोक्ष की परिभाषा बताइए अभी, अब प्रमाण की बताएंगे। हाँ, परोक्ष की याद होगी ना आपको, अब अपन देखेंगे प्रमाण ज्ञान। प्रमाण की परिभाषा देखिए, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। ये परिभाषाएं बहुत सारी हैं और इतनी जल्दी मैं पूरी नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए इसे पूरा हम पास आउट करते हैं। लेकिन प्रमाण की परिभाषा, पहली परिभाषा मुझे बहुत जोरदार लगती है, तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, इसकी चर्चा आप साल भर करेंगे, जिंदगी भर करेंगे, तत्व ज्ञान होना चाहिए। बराबर, कैसे होगा उसकी चर्चा बाद में होगी। अब इसको बहुत जल्दी आगे निकाल दीजिए, प्रमाण की परिभाषा करीब बहुत सारी है आपके लिए, नोट्स बनाने के लिए मैंने लिखी, बस 13, ये 13 परिभाषाएं हैं इसमें। याद आ रही होगी जिन्होंने परीक्षा मुख पढ़ी है, परीक्षा मुख में देखो क्या लिखा है 12 नंबर पर, स्वाय। हाँ बराबर, परमत खंडन विवक्षा निश्चयात्मक, ये लिखा है। अभी धारावाहिक ज्ञान को जरा समझाना है मुझे, समझाऊं क्या? धारावाहिक ज्ञान माने पूर्व ज्ञात विषय, धारावाहिक ज्ञान मतलब क्या बोला बेटे? 11th वालों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बैठोगे तो 10% आएगा, थोड़े अच्छे बैठ जाओ। हाँ बेटे, क्या नाम बेटे आपका? अर्पित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अर्पित, ध्यान से सुनना है, अच्छे बैठ जाओ। नहीं समझ में आया तो थोड़ा हाथ खड़ा करना, सरल कर देंगे। देखो जरा, धारावाहिक ज्ञान माने पूर्व ज्ञान, धारावाहिक समझते, धारावाहिक एक ही सीरियल लगातार चलता है उसको धारावाहिक कहते हैं। ये तो सुना होगा सबने, टेलीविजन पे धारावाहिक, धारावाहिक इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरियल। तो एक ज्ञान जो लगातार वही का वही चलता रहे तो उसको कहते हैं धारावाहिक। धारावाहिक को ब्रैकेट में लिखा है पूर्व ज्ञात। धारावाहिक ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं करता, इसलिए प्रमिति अने फल प्रमाण ज्ञान नहीं है, अतः प्रमाण ज्ञान नहीं है। थोड़ी देर रुकेंगे अपन, थोड़ी देर सभी लोग सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि ये सब विषय ना इतना अटपटक पर विषय, जल्दी जल्दी चला जाएगा तो मजा नहीं आएगा। फिर से धारावाहिक ज्ञान देखो, आप जानते हैं क्या चीज है? आपको नहीं मालूम तो मैंने बता दिया, टॉर्च है। अब पहली बार में तो आपको मजा आ गया, टॉर्च गुजो गुजो। लेकिन अब हम आपको दूसरी बार फिर बताएं ये क्या है, फिर तीसरी बार फिर कहें क्या है, फिर वह काय के लिए पूछ रहे हो? माने जिसमें से हमें ज्ञान नया नया हो उसमें तो मजा आता है, और नया ज्ञान नहीं होता बोलो तो बोर हो जाते, इसीलिए उसकी प्रमिति नहीं होती। प्रमिति माने सबको रिजल्ट नहीं आता, पॉइंट समझ में आ गया सबको? धारावाहिक ज्ञान की प्रमिति नहीं होती। क्या बोला हमने? क्यों नहीं होती प्रमिति? क्या पहले भी पता था? वही वही बात फिर बताई, बराबर समझ में आया कि नहीं है? इसको मैं एक सरल दृष्टांत देके समझाता हूँ। आप में ऐसे किसी की किराने की दुकान है? चलो एक की है, और किसी की नहीं? कोई यार, कपड़े की दुकान कितने लोगों की? चलो एक की है, दो की है कपड़े की दुकान, चलो कोई बात नहीं। तो शक्कर की दुकान है किराने की, तो ये पहली बार बैठा, क्या नाम तुम्हारा? गमन, नमन, नमन की गमन, नमन ठीक। नमन किराने की दुकान पर बैठा पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो बैठा ना, तो ग्राहक आए, तो ग्राहक ने पूछा कि शक्कर क्या भाव है, तो इसने पापा से पूछी शक्कर क्या भाव है, पापा ने कहा 40 रुपए किलो, तो इसने कहा 40 रुपए किलो। फिर वो फालतू बैठे थे, ग्राहक तो थे नहीं, तो सत्य की चर्चा तो बार बार करना चाहिए। काय की चर्चा बार बार करना चाहिए? सत्य की। भाई सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? सत्य। तो ये बार बार अपने पापा से पूछे, पापा शक्कर का क्या भाव है? पापा ने कहा 40 रुपए। फिर दूसरी बार पूछे, पापा शक्कर का क्या भाव है? अरे बताया ना 40 रुपए। तीसरी बार फिर पूछा, पापा शक्कर का क्या भाव है? समझ गए?
जैसे पांच बार पूछा पहली बार जो प्रमिति हुई थी ना पहली बार, पर दूसरी बार में नहीं होती, तीसरी बार में नहीं होती, चौथी बार में नहीं होती, पांचवी बार में नहीं होती। रितेश एक बात बोलूं, बहुत मजेदार बात, अपन लोगों से बोलते विद्वानों से, बच्चे भी समझेंगे, मैं विद्वानों से बोलूं, अपन पहली बार जब भगवान आत्मा सुनते हैं ना तो जो रोमांच होता है, पहली बार हम क्या का निर्णय करते हैं, विचार करते हैं तो बड़ा रोमांच एक्साइटमेंट होता है, फिर धीरे धीरे कैसे हो जाता है वो इसको हम कहते हैं धारावाहिक ज्ञान की प्रमिति। अब कुछ और आगे कह रहा हूं, पकड़ के ना पॉइंट, अब और आगे कहता हूं, इसीलिए धारावाहिक ज्ञान बने उससे पहले आत्मा का अनुभव कर लो। क्या बोला? धारावाहिक ज्ञान बने उससे पहले आत्मा का अनुभव कर लो, क्योंकि अनुभव में धारावाहिक नहीं होता। शिवोपम में, चर्चा में, वार्ता में तो धारावाहिक हो जाएगा, लेकिन अनुभव में धारावाहिक नहीं होता। उस धारावाहिक का नाम तो केवल ज्ञान है। बहुत आपकी नहीं नहीं बहुत मजा आएगा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? फिर से समझाऊंगी तो एक बार फिर से समझाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ही मजा आया। देखो जब मैं पहली बार आया था तो तुमको कैसा लगता था? सब लोगों को पहली बार तो बहुत एक्साइटमेंट, समत्र काशी बड़ा रोमांच था। आसपास के गांव के लोग भी आ गए। अब धीरे धीरे दूसरी बार गांव के लोग कम हो गए, चौथी पांचवी बार में भी कम हो गए, छठी बार में तो अपन ही कम होने लगे। क्यों क्यों होने लगा ऐसा? कि वो जो प्रमिति होती थी ना, प्रमिति, प्रमिति का मतलब क्या होता है सूरज? फल। वो खत्म हो जाती है। आज पूरे देश के श्रोताओं को देखो, आप श्रोताओं को पहली बार जब प्रवचन सुनते हैं तो बहुत अच्छे सुनते हैं, फिर धीरे 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 इतने मस्त हो जाते हैं प्रवचन में कि वो ऐसे बैठते हैं। देखो जो पुराने होंगे 50 साल पुराने श्रोता वो ऐसे बैठते हैं तो शुद्ध उपयोग में भी चले जाते हैं और उंगली भी हिलाती जाती है। और यदि वक्ता कुछ बोलेगा ना तो ऐसा भी ऐसा भी करेंगे, यदि उनसे पूछ लो ना, पूछ लो तो जवाब भी दे देंगे। लेकिन क्या मजा जो उनको टेस्ट आया, मजा नहीं आता। इसलिए धारावाहिक ज्ञान को आप समझना, इसकी प्रमिति नहीं होती है। धारावाहिक ज्ञान करने से अच्छा है, बारंबार पढ़ने से अच्छा है, बारंबार सुनने से अच्छा है कि निर्णय करके अनुभव करो। क्या बोला हमने? कौन बोलेगा इस वाक्य को पूरा? धारावाहिक ज्ञान के बारे में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा है, आप लोग आगे बैठ गए तो बढ़िया रहा। कौन बोलोगे बेटे? शाबाश, बोलो भैया, आप ही कह रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम धारावाहिक ज्ञान करते रहेंगे तो उससे हमारी प्रमिति खत्म हो जाएगी, तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। खत्म हो उससे पहले अनुभव कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब आगे चलते प्रमाण। ये वही वाली पढ़ाई आगे सुबह वाली। सामान्य विशेषात्मक ज्ञान, नित्यानित्यात्मक ज्ञान, एकानेक ज्ञान और सदासत। सदासत बने सत असत, सत असत की संधि हो गई, सतासत अर्थ क्रिया में समर्थ होता है। अब एक चार्ट आ रहा है नीचे, इस पढ़ाई भी पहली बार करा रहा हूँ, पता नहीं पहले नीचे एक लाइन लिखा, ऊपर एक लाइन लिखी थी जी, अनुवृत्त अव्यावृत का विषय एक ही द्रव्य है। एक बार तीन बार बोलो जरा, अनुवृत्त व्यावृत का विषय, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अभी मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है कभी, पढ़ा किसके से पढ़ा है? वेरी गुड, पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नए लोगों को तो मेहनत लगेगी बेटे, लेकिन बस आप देखते रहिए, मजा आएगा आपको। अब ये चार्ट पूछा करिए, ये देखिए क्या लिखा है, प्रमाण, फिर लिखा है ध्रुव गुण और लिखा है उत्पाद व्यय माने पर्याय। ऊपर द्रव कह दीजिए, द्रव में गुण है और पर्याय है, बराबर। प्रमाण, ध्रुव गुण, उत्पाद व्यय, आपको याद होगा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो अपन किस तरह पढ़ सकते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये बन गया बराबर। तो इस चार्ट को तो ऊपर ले जाइए, नीचे चार्ट है, ये अनुव्रत व्याव्रत का चार्ट है, छोटे अक्षर करो बेटे, वेरी गुड, जल्दी पढ़ाऊंगी धीरे पढ़ाऊंगी। देखो नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, मैं आपको तीन बार बताऊंगा, चार बार बताऊंगा, बराबर, समझ गए शीतल? ठीक, बहुत बढ़िया।
मजा आएगा आपको। देखो आप ध्यान से इसलिए सुनो कि समय सारजी ग्रंथ पढ़ने पर या प्रवचन सारजी पढ़ने पर आपको इसके बिना अर्थ नहीं कर सकते। वहां पर एक शब्द आएगा त्रियक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। नाम सुना है किसी ने? एक त्रियक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य, ये दो नाम चलते हैं। जब न्याय पढ़ने जाओगे तो इस तरह के नाम बहुत मिलेंगे आपको। तो उनका स्वरूप क्या है एक बार हमारी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। क्योंकि आप विद्वान बन रहे हैं और किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, तो आप इस भाषा में बात करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आप इस भाषा में बात नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो एक बार इसको अपन 3-4 बार पढ़ेंगे। ओके चलो देखिए, त्रियक सामान्य में होते हैं अनेक गुण, ठीक। अनुव्रत कहलाता है अनुव्रत, अनुव्रत में होते हैं अनेक गुण। अनेक गुण कायम होते हैं अनुव्रत में, क्या होते हैं अनेक गुण कायम होते हैं, वेरी गुड। अनुव्रत नहीं, अनुव्रत नहीं कहना, अनुव्रत ठीक है। तो उसमें अनेक गुण, अब एक अनेक गुण होते हैं तो एक समय में अनेक गुण होते हैं, एक समय में अनेक द्रव्य भी होते हैं, एक ही साथ 6 द्रव्य हैं इधर, एक ही साथ अनेक गुण भी होते हैं, बराबर। फिर अनुव्रत माने वही, अनुव्रत का मतलब होता है वही द्रव्य, वही का वही है, गुण वही का वही है, इसलिए अनुव्रत का मतलब होता है शॉर्ट में वही, बराबर। कठिन तो नहीं लग रहा। फिर अक्रमवर्ती गुण कैसे होते हैं? आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में कितने गुण हैं? पहले गुण का नाम बोलो, पहले गुण का नाम बोलो, आरोहण। पहला गुण कौन सा है आत्मा में? क्यों बोलो ना, अक्रम। पहला गुण नहीं है कोई सा भी, आत्मा में पहला गुण नहीं है, तो अक्रमवर्ती होता है। अक्रमवर्ती का मतलब एक साथ, अक्रम माने क्रम में नहीं, अक्रम माने एक साथ होना। अनंत गुण कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं, इसलिए उसका नाम है अक्रमवर्ती। फिर नीचे लिखा व्यतिरेक विशेष, व्यतिरेक विशेष, विशेष माने गुण, व्यतिरेक विशेष माने भेद कर देते हैं तो व्यतिरेक हो जाता है, भेद करते हैं तो व्यतिरिक और फिर विशेष हो जाता है। फिर लिखा है अन्वय, ये प्रवचन सारज की 80 नंबर की गाथा में मिलेगा आपको, अन्वय 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 व्यतिरिक मिलता है, अन्वय व्यतिरिक। तो अन्वय माने गुण और व्यतिरिक माने पर्याय। फिर नीचे लिखा है पर्याय अपेक्षा अनेक द्रव्यों में वही सादृश्यपना, अनंत गुण एक द्रव्य के अंदर वही सादृश्यपना। पर्याय अपेक्षा भी मैं समझा देता हूँ आपको और गुण की अपेक्षा भी समझाता हूँ। जरा देखो 6 द्रव्य एक समान है कि अलग अलग है? तो वही सादृश्य माने सादृश्य नहीं है, वही सादृश्य माने सादृश्य, सादृश्य नहीं माने समान। आप सबके चेहरे सादृश्य है कि वही सादृश्य है? ओके सरल। तो 6 द्रव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं और एक ही द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण है वे गुण भी कैसे होते हैं? ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, दर्शन है वो चारित नहीं है, चारित है वो सुख नहीं है, वीर नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, बराबर। इसलिए सब क्या कहलाते हैं? वही सादृश्य। किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया? फास्ट तो नहीं चल रहा, फिर से बोलूं? चलिए एक बार फिर पढ़ेंगे अपन इसको। अब उस तरह बजाइए ऊर्ध्वता सामान्य। जरा क्या नाम बेटे आपका? टीकमगढ़ बेटे, टीकमगढ़ 11th, हाँ टीकमगढ़ के हो तुम तो, खड़े हो थोड़ा सा। नाम क्या तुम्हारा है? सौरभ, ठीक सौरभ। देखो जरा ध्यान से सुनना, जे ऊर्ध्वता, ऊर्ध्व माने होता है ऊर्ध्व, तो जे ऊर्ध्वता सामान्य हो गया और जे कौन को याद नहीं हुआ? ऊर्ध्वता सामान्य मतलब ऊपर की ओर, और जे कौन सा सामान्य हो गया? देखो अरहम को भी याद हो गया, अरहम याद हुआ तुमको? नहीं हुआ, तुम तो हाथ खड़ा करते थे। ऐसा क्या? त्रियक सामान्य, और ऐसा क्या है? ऊर्ध्वता सामान्य। बैठ जाइए, फिर से समझाता हूँ। गिनती पढ़ते हो आप? गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वता। ऊपर की ओर बढ़ते हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। एक ज्ञान गुण ले, ज्ञान गुण मत ज्ञान, स्वर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान, केवल ज्ञान,
पहला ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान, चौथे समय का ज्ञान, पांचवें समय का ज्ञान, छठे समय का ज्ञान, ये कौन सा सामान्य हुआ? खड़े हो बेटे, नाम बताइए अपना। जिनेंद्र, वेरी गुड, समोसन की कमी है बस। वेरी गुड। तो देखो, एक ज्ञान नाम का गुण, इसमें ऊर्ता सामान्य क्या है? कौन बोलेगा ऊर्जता सामान्य क्या है? इलेवेंथ वाले बच्चों से पहले पूछ रहा हूं, ट्वेल्थ वाले बच्चे बताएंगे। अच्छा, इलेवेंथ के बाद? हाँ, वेरी गुड, बोलो। ऊपर की ओर तो है, तो क्या ज्ञान गुण में घटा के बताना है, कौन बताएगा? भोपाल बोलो। नहीं मालूम, अभी भी नहीं समझ आया, बैठ जाइए। अब ध्यान से सुनना, आप लोग लिख रहे थे ना, इसलिए नहीं समझ आया आपको। लिखिए नहीं, मुझे फिर सुनिए आप ध्यान से। एक ज्ञान गुण पहले समय में जाना, फिर दूसरे समय में जाना, फिर तीसरे समय में जाना, फिर चौथे समय में जाना, फिर पांचवे समय में जाना, इसको कहते हैं ऊर्जता सामान्य। समझ में आया कि नहीं आया? और एक साथ सबको जाना, एक समय में सबको एक साथ जाना, ये हो गया त्रियक सामान्य। समझ में आया? कौन को नहीं समझ में आया? कौन हाथ खड़ा करेगा अब समझाने के लिए? ऊर्जा सामान और त्रियक सामान बताने के लिए कौन मेहनत करेगा? चलो, काफी हाथ खड़े हुए, सबको जान लिया, वो हो गया त्रियक सामान। बैठ जाइए। अनंत गुण एक साथ होते हैं, इनको जानना कहलाता है त्रियक सामान, और एक गुण की अनंत पर्याय को जानते हैं वो कहलाता है ऊर्जा सामान। फिर से कौन बोलेगा ये वाला बात? फिर से सुन लो ध्यान से। एक समय में सारे गुणों को जानना, ये त्रियक सामान्य। त्रियक माने तिरछा, तिरछा, त्रियक होता है त्रियक, तिरछा। और एक समय में एक गुण की सारी पर्यायों को जानना, वो कौन सा सामान्य कहलाएगा? कौन सा सामान्य कहलाएगा? अब बताओगे? ऊर्ता सामान्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम बोलोगे बेटे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप बोलिए बेटे। सब लोग ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा सुनते सुनते। हाँ, एक दो ज्ञान नहीं, पहला ज्ञान, पहले समय का ज्ञान, दूसरे समय का ज्ञान, तीसरे समय का ज्ञान, चौथे समय का ज्ञान, अर्थात एक गुण की पर्यायों को जानना, अर्थात एक गुण की पर्यायों को जानना, ये कहलाता है ऊर्जा सामान्य। फिर से, एक गुण की पर्यायों को जानना, ये कहलाता है ऊर्जा सामान्य, और अनंत गुणों को एक साथ जानना त्रियक सामान्य। वेरी गुड, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरी ओर देखो, फिर से बैठ जाइए, शाबाश। फिर से देखो, एक ही बार में याद जाएगा आपको। अनंत गुणों को जानना त्रियक सामान्य, एक गुण की पर्याय को जानना, कौन बोलेगा? सारे गुणों को जानना ये त्रियक सामान्य, और एक गुण की पर्याय को जानना उल्टा सामान्य। याद हुआ? फिर से बोलो, सारे गुणों को एक साथ जानना त्रियक सामान्य, एक गुण की पर्याय को जानना। बस समझ गए सब लोग? बस इतना ही है, सरल काम, आगे चलो। तो ऊर्ता सामान्य हो गया। जब एक समय अनेक, द्रव एक, समय अनेक, यहां क्या था? समय एक और अनंत गुण एक समय में, अनंत गुण अनेक और समय एक था। फिर से इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ा? यहां देखिए, एक समय में अनेक द्रव या अनेक गुण भी हो सकते हैं, एक समय में अनेक द्रव या अनेक गुण, और उधर क्या लिखा है? द्रव एक और समय अनेक, गुण एक समय अनेक। याद हुआ कि नहीं हुआ? द्रव या गुण एक और समय अनेक, कौन सा सामान्य हो गया? उल्टा सामान्य। और एक समय और अनंत द्रव, एक समय अनंत गुण, ये कौन सा सामान्य हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस छोटे छोटे शब्द आपको पीने पड़ेंगे ऐसे, फिर इसमें प्रवचन होंगे धड़ल्ले से, बहुत मजा आएगा। एक आध दिन इसका प्रवचन करूंगा, अभी तो ज्ञान करा रहे हैं, इसके बाद इसी में प्रवचन करूंगा एक घंटे का। आने वाला है समय, आएगा, हो चिंता नहीं करना। नींद तो नहीं आ रही? भूल तो नहीं जाओगे? फिर से बोलू, एक गुण अनेक समय, कौन सा सामान? उड़ता सामान। वेरी गुड, एक गुण अनेक समय, कौन सा सामान? कौन सा सामान? एक गुण अनेक समय, उल्टा सामान। और समय एक और अनंत द्रव या अनंत गुण। वेरी गुड, अब आपको याद हो गया। और अब पूछू? वेरी गुड।
बाद में पूछ लू ठीक है। अब एक बहुत प्यारा शब्द आ गया क्रमवर्ती। क्रमवर्ती पे तो बिल्कुल तलवार चलानी चाहिए, धार 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 धार। एक तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, लोग तुम्हारे प्रवचन सुन के कहेंगे क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। तुम कहना भाई साहब जी लिखिए थे। ध्यान से सुनना, सभी लोगों को ये लगता है पूरे हिंदुस्तान में केवल एक स्थान पर क्रमवर्ती पर्याय लिखा है, एक स्थान पर 308, 309, 310, 311। बिल्कुल धोखे में हो, न्याय शास्त्र में लिखा है क्रमवर्ती। समय सारणी में तो बाद में आई थी का, पहले क्रमवर्ती यहां लिखा है। क्रमवर्ती का मतलब क्रमबद्ध पर्याय, जितनी पर्याय होती है वो क्रमबद्ध होती है और जितने गुण होते हैं वो अक्रम होते हैं। बराबर, आगे चलो। इसके बाद पर्याय विशेष, यहां व्यतिरेक विशेष लिखा था मैंने, गुण विशेष, वहां पर्याय विशेष। फिर यहां अन्वय लिखा था तो वहां व्यतिरेक, वैसादृश, दो पर्याय एक जैसी नहीं होती, दो पर्याय एक जैसी नहीं। सादृश्यपना, सादृश्यपना, शाश्वत शुद्ध पर्याय और छायिक पर्याय। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी होगी? सादृश। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी होगी? सादृश। और हमारे में भी शाश्वत शुद्ध पर्याय है, मुश्किल से 10-25 गुण है, 10-5 भी नहीं है, इतने अशुद्ध हैं। बाकी हमारे में भी शाश्वत शुद्ध पर्याय चल रही है, माने 99.99% शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय अभी चल रहा है जोरदार। इसका मजा भी एक दिन लूंगे लेंगे अपन। अभी आगे बढ़ जाए, नींद तो नहीं आ रही। प्रमिति सुबह पढ़ाई थी, सुबह पढ़ाई थी प्रमिति, ये कल पढ़ाया था। चलो चलो इसको आगे बढ़ाओ। हाँ, प्रमिति का फल अभी देखो, पढ़ाने के बाद एक बार फिर रिपीट होगा। ये जो क्वेश्चन आंसर कल होने वाले वो अभी होंगे, मैं पढ़ाने के बाद हटूंगा और 10 मिनट के अंदर ये चार्ट फिर एक बार पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आए तो आपस में डिस्कस करेंगे, हमसे फिर पूछोगे आप। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली ये मैं इतनी फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ कि 40 दिन का सब्जेक्ट कम से कम है और मुझे 10 दिन में पढ़ाना है, इसलिए कुछ तो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कल से स्लो हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं। अभी तो आपको पहली बार में शब्द ज्ञान हो रहा है, काय का ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रमिति माने साक्षात फल, प्रमिति का साक्षात फल है अज्ञान की निवृत्ति। बराबर। फिर परंपरा फल है हान, हान का मतलब होता है त्याग और उपादान का मतलब होता है ग्रहण। हानोपादान पढ़ा है? हाँ। तो उपेक्षा माने वितरागता, उपेक्षा मतलब वितराग। ठीक है, प्रमिति का फल अर्थात मोक्ष करने का उपाय, मोक्ष करने का उपाय। आगे लिखा है रीजने योग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, इसको रीजोगे तो मोह का क्षय हो जाएगा आपका। बराबर, आगे देखो जरा, मोह क्षय करने ना रीजने योग गे मात्र पदार्थ। क्या लिखा है एक बार पढ़ो जरा हेडिंग। कायदे से सुबह पढ़ाना चाहिए मुझे, लेकिन मजबूरी अभी पढ़ाऊं। इतनी देर में थक गए हो तो नहीं पढ़ाता हूं। बोलो बोलो, तो आइए फिर फुल फोकस करिए इस पर, फुल फोकस। अच्छे बैठ जाइए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। थोड़ा बहुत चाहो तो अपने सिर को झटका दे लो, रिफ्रेश थोड़ा अच्छे हो जाओ। अभी बहुत ये कहो तो मेरे दो घंटे का सब्जेक्ट, यदि इसमें आप चाहो ना अभी 10 लक्षण में जा रहे हो तो इसे पढ़ा सकते हो। यदि अच्छी सभा मिल जाए आपको थोड़ी सी तो इस चार्ट से पढ़ा सकते हो। क्या ऊपर करोगे टेस्ट का? ये एक नया चार्ट है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये न्याय शास्त्र पढ़ने के बाद मैंने तैयार किया है, वैसे तो सारी तैयार की है लगभग, लेकिन इस चार्ट पे मैं बहुत फिदा हूँ। फिदा तो समझते हैं ना अपन, फिदा हूँ। तो भिन्न अशुभ, भिन्न शुभ, ये दो परिणाम तो भिन्न लिए, भिन्न अशुभ और भिन्न शुभ। पॉइंट नोट किया जाए, किस किस पर रीझना नहीं चाहिए, किस किस पर रीझना, तो समझते हो रीझना,
अट्रैक्शन, खुश होना ये नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं हो जाना चाहिए, प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसको हम कहेंगे। तो कौन कौन से, एक उधर देखिए, भेद या भिन्नता, वहां भेद है, यहां क्या लिखा था, भिन्न, वहां क्या लिखा है, भेद। आंशिक एवं पूर्ण शुद्ध पर्याय, आंशिक एवं पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये रीजने लायक नहीं है। तो उसके नाम में नीचे भिन्न अशुभ में देखिए, भौतिक पदार्थ एवं स्त्री पुत्र आदि। सबसे पहले आदमी इसी पे मोहित होता है, पंडित जी इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूं, एक बीवी होगी, टीवी होगी, बंगला होगा, क्या जलवे होंगे, जले जले। तो सबसे पहले अट्रैक्शन इसी पे होता है, भौतिक पदार्थ, छोटा सा बंगला हो अपनी, बादलों की छांव में, क्या बात है, सोने के दरवाजे हो, चांदी की खिड़की हो, सबसे पहले अट्रैक्शन इसी का। क्यों, ज्यादा कमाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले बोलो। एक एक लड़के से पूछा जाना चाहिए, आप बड़े होकर क्या करोगे, तो सब यही कहेंगे, पंडित जी इतने की जॉब मिलेगी तो ऐसा करेंगे, और इतने की जॉब मिलेगी तो हसीन ख्वाब। तो बहुत ही पदार्थ है इसी पुत्रादी। ये अशुभ में हुआ, तो शुभ में क्या हुआ, देव सात गुरु। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देव सात गुरु पर मोहित होंगे, क्या समोसरण, क्या मंदिर, अरे क्या तीर्थ। तो हम कह रहे हैं ना तो स्त्री पुत्रादी पर रीझने लायक है, और ना ही देव सात गुरु पर रीझने लायक। और अपना मति ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी हो ना, सम्यक ज्ञान, आंशिक शुद्ध ज्ञान, आंशिक शुद्ध ज्ञान और आंशिक शुद्ध पर्याय, वो भी रीजने लायक है। चलो थोड़ा ऊपर चढ़ाओ उसको चार्ट को, आगे देखो, दे सबसे पहले तो वो मिलेगी ऊपर वाले अशुभ में, दूसरी लेवल है दे एवं उसका अशुभ प्रवर्तन। दे अब देखो, अभी इसी पुत्रादी लिए थे अपने, अब क्या ले रहे हैं, क्या खाता पीता हूं, ना रात का विचार ना दिन का विचार, अपन तो भाई देखो लिबर्टी वाले हैं, खूब खाओ पियो, क्या बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करो बस, दिन भर सोता रहता हूं और ऐसे करता हूं, टीवी देखता हूं, मतलब ऐसे। तो उसको देह के अशुभ प्रवर्तन में मजा आता है, खान पान में मजा आता है, लड़ाई झगड़े में मजा आता है, तो देह के प्रवर्तन ले लिए इसमें। इसके नीचे तीसरा पापोदय, ऐसे लोग भी हैं जो पापोदय में मजे करते हैं, नहीं समझना है पापोदय में, आपने सुना होगा रेलगाड़ी में जब कोई विदाउट टिकट जाता तो एक डायलॉग याद आता है उसे, याद आया आपको, रेलगाड़ी में विदाउट टिकट जाते समय कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए, ताकत, बोले कोई पकड़ा गए तो, अरे वाह अपना डायलॉग है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ा गए तो खाना फ्री। आप लोगों नहीं सुना डायलॉग, चलो आज सुना दिया हमने आपको, मैंने कभी भी आप देखने विदाउट टिकट चलने वाले दूसरे के तभी पकड़ा गई तो गैंग आ गई तो मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई तो मालूम क्या बोलते हैं, अरे देखो यार अपन बेरोजगार आदमी, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ा गए तो बेटा पकड़ा गए तो संजीव बन जाओगे। एक बार गलती करने पर पकड़े गए कैसे जेल भुगतता है जी, समझो, आगे समझ में आया आपको, आगे देखो पापोदय, फिर पाप भाव, पापोदय में भी जीव खुश होता है, पाप भाव और बंध में भी खुश होता है, तो ये खुश नहीं होना, हमें कहना है पापोदय में भी खुश नहीं होना। कई लोग ऐसे कहते हैं अपने को तो पाप का उदय चल रहा है बहुत बढ़िया भैया, पुण्य का उदय बहुत खतरनाक होता है, पाप के बंध में कम से भगवान का नाम तो याद आता है, इसलिए पाप का उदय बढ़िया है कि नहीं बढ़िया, क्या पुण्य के उदय में भगवान याद आते हैं, पाप के उदय में याद आते हैं, तो पाप के उदय में खुश होने लायक नहीं है, कह रहे। फिर लिखा है पाप भाव और पाप बंध, फिर अंतिम लिखा है कोदेव आदि के चमत्कार। अरे भैया वहां चल के देखो अजमेर की दरगाह, अरे गजब, और वहां चलो कहां कहां जाते हो हमें मालूम नहीं, यहां चमत्कार होते हो, अरे गणेश जी ने दूध पिया मैंने देखो, हमने भी पिया हमने भी पिला दिया, मैंने चमत्कारों में खुश, तो चमत्कारों में भी खुश होने लायक नहीं। दे एवं उसका शुभ प्रवर्तन, जैसे यहां शुभ था वहां शुभ प्रवर्तन। अब कई लोग यहां से मिलेंगे आपको, भैया हम तो 10 साल से सुधर गए, रात को नहीं खाते, बाजार में भी नहीं खाते,
खूब स्वाध्याय करते हैं, ए इसका मतलब छोड़ देना चाहिए कक्षा मुझे। आप कहाँ गए? नहीं, आपका पेन से मत खेलो बेटी, हमने पहले कहा ये पूरा चार्ट एक सेकंड में याद हो जाएगा आपको, ये देखोगे तो बैठे तो यहीं है पर, लेकिन अच्छे से देख लोगे तो आप समझा सकते हो कितनी क्वालिटी के परिणाम हो सकते हैं जब नहीं दीजना। ठीक है, ध्यान से सुनोगे सब लोग, देखो जरा क्या लिखा है। फिर पुण्योदय, पुण्योदय में खुश होता है यार भैया हमारे ऊपर तो कौन की कृपा है खूब पैसा है, खूब खाओ पियो, बड़े मजे हैं, देखो हेल्थ, तो पुण्य के उदय में खुश रहता है। फिर पुण्य भाव और पुण्य बंध में खुश होता है जी। फिर यहाँ को देव के चमत्कार, यहाँ सच्चे देव के अतिशय, सच्चे देव के अतिशय कौन कौन से हैं? सच्चे देव के कितने अतिशय होते हैं? सच्चे देव के अतिशय बोलो, तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, कितने अतिशय होते हैं? समोसरण, सुगंधित वायु और भामंडल, 64 चवर और क्या प्योर सोने का समोसरण और मणियों के, ये क्या हो गया? ये सच्चे देव की चमत्कार, सच्चे देव के भी अतीत है, उन पर भी मोहित होने लायक नहीं। उधर देखो तो स्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांच प्रकार के ज्ञानों पर भी रीजने लायक। आपको याद है ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था? मोह क्षय करने का उपाय। क्या लिखा था? मोह क्षय करने का उपाय ये है कि इतनी जगह आपको मोहित नहीं होना चाहिए। ये समझो हर्डल है, हर्डल, हर्डल समझते हो? हर्डल क्या कहलाती है? बाधा दौड़, रुकावट आती है, बाधा, बाधा, बाधा दौड़ नहीं देखी, हर्डल रेस नाम से ना, हर्डल रेस, तो बाधाओं को क्रॉस कर करके जाना। इतनी बाधाएं क्रॉस करोगे तब आपका मोक्ष है, आपका हो जाएगा, आपको सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और एक दिन मोक्ष हो जाएगा। मेरे मुझे इतना मजा आ रहा है इसे पढ़ाने में, आप भी जब समझेंगे इसे तो मोक्ष जाने के लिए बस इतनी अल्टीमेट है, इतनी सी स्टेप, इतनी जगह आप फिदा नहीं हुए, त्रिकाली ज्ञाय का आपको अच्छा लग गया, बस तो सम्यक दर्शन और अल्प काल में मोह का क्षय और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़िए, चार्ट ऊपर करेंगे। निष्कर्ष, गेयों पर नहीं ज्ञायक पर रीजने का नाम। जरा बोलो ये सारे ऊपर जो चार्ट आया था चार्ट, इन चार्टों पर, चार्ट पर रीजने का नाम जैन धर्म नहीं है। केवल ज्ञान पर तो मोहित होना चाहिए। अरे भगवान का केवल ज्ञान, अनंत सुख, मजा आ गया कि नहीं? फिर से पढ़ो, गेयों पर नहीं ज्ञाय पर रीजने का नाम जैन धर्म है। अविशद ज्ञान में विशद ज्ञायक स्वभाव की महिमा ही विशद ज्ञान प्रगटाने का उपाय है। वेरी गुड, समझ गए? अपने अविशद ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा की महिमा करके फिर विशद ज्ञान प्रगटाने का, बहुत सरल अच्छी भाषा में बोलो, अपने ज्ञान में ज्ञाय की महिमा करना ही केवल ज्ञान का उपाय है। ये थोड़ी टेक्निकल भाषा लिखी है, अविशद विशद। फिर से बोलो, अपने परोक्ष ज्ञान में, अपने मति शुद्ध ज्ञान में किसकी महिमा? ज्ञाय स्वभाव की महिमा। इससे क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय है। विशद ज्ञान माने केवल ज्ञान, अपना कौन सा ज्ञान है? अविशद ज्ञान, बराबर। और ज्ञाय भगवान आत्मा कैसा है? विशद, उसकी महिमा करने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। आगे देखिए, छायिक ज्ञान आदि की भावना चारित्र मोह है। आहा, क्या कह रहे हो? पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, फिर से बोलो जरा। छायिक ज्ञान समझते? केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय, इसकी महिमा कब आती है पता है? जब हमको चारित्र मोह होता है। चारित मोह समझ गए? चारित मोह माने मोहिनी कर्म है, दुख देने वाला। बस इतने ही सार में समझ लीजिए, आत्मा की महिमा आना चाहिए। संदर्भ लिखा है समय सार गाथा 204, कलश टीका 22, 144, 140 से 147 तक, इतने रेफरेंस के आधार से ये अपन ने इतना पढ़ा।
अब बोलो क्या इरादा है आपको? मेरे ख्याल से अब नहीं पढ़ाना चाहिए, भार भार हो गया ना, थोड़ा भारी भारी हो गया। अब स्मृति कल पढ़ेंगे, ओके? स्मृति कल पढ़ेंगे। स्मृति में देखो सूत्र लिखा है, तो अध्याय एक 13वां सूत्र जरा पढ़िए एक साथ। मति लेकिन अभी बहुत बड़ा चैप्टर, अभी कितने पेज हुए इसमें? 4, 2 पेज बाकी हैं, लेकिन कल पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है? छोड़ दूं, ओम नमः शिवाय।